हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज़्ज़ा और इसकी रेसिपी बहुत ही इजी है। आप देख सकते हैं देखने में कितना टेम्प्टिंग लग रहा है और इसको बनाना बहुत ही इजी है। ये स्नैक्स में भी आप खा सकते हैं और ये बच्चों का फेवरेट होता है तो ये जल्दी से बन भी जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने ली है एक शिमला मिर्च, मैंने उसको फाइन चॉप कर लिया, छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, और आधा टमाटर लिया है, और एक ऑनियन और थोड़े से स्वीट कॉर्न और दो ब्रेड के स्लाइस। तो आप इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहें जो आपका फेवरेट हो आप ऐड कर सकते हैं, और कुछ स्किप करना चाहें जो आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और एक ले लेते हैं मिक्सिंग बाउल और उसमें ऐड करते हैं हम सबसे पहले ऑनियन 2 टेबल स्पून और स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न को मैंने पहले ही बॉईल करके रखा है थोड़े से सॉल्ट के साथ, तो आप भी इसको बॉईल करके ही यूज़ करिएगा। और मैंने ली है कैप्सिकम, अब इसको भी हम 2 स्पून यूज़ करेंगे। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और टमाटो, इसके जो सीड्स होते हैं वो मैंने यूज़ नहीं करे, वो यूज़ होंगे भी नहीं, इसको फाइन चॉप करना है। और इन सबको ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट, ज़्यादा नहीं, और इन सब को हम कर देंगे एक बार अच्छे से मिक्स। जो हमने सॉल्ट डाला है वो अच्छे से इन सब में मिक्स हो जाए, इसलिए आप इसको एक बार अच्छे से मिक्स करिए। और उसके बाद हम करते हैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड, थोड़ी सी सीजनिंग, और इन दोनों को हम इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही इजी है, बस इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन में टाइम लगता है, जो हमने वो भी कर लिया है। तो चलिए अब हम ले लेते हैं एक और मिक्सिंग बाउल और उसके अंदर हम ऐड करेंगे केचप। केचप हमारे घर में बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए मैं उसके छोटे छोटे पाउच लेके आती हूँ, जितना यूज़ करना होता है उतना ही। तो ये मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं छोटे वाले, और इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर, क्योंकि अभी हमें इसके अंदर और भी ऐड करना है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस, वो हम 1 स्पून यूज़ करेंगे। केचप और पिज़्ज़ा सॉस के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी सीजनिंग और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और इसको भी कर देते हैं हम अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब हम ले लेते हैं ब्रेड, ये मैंने वाइट ब्रेड लिए हैं और 2 स्लाइस लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने हैं तो आप ज़्यादा ब्रेड ले सकते हैं, और इसकी फीलिंग जो है वो भी आप ज़्यादा बना लीजिएगा और फिर इन्जॉय कीजिएगा बना के, क्योंकि ये ब्रेड पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी होता है और जल्दी बन जाता है। अगर आपके फ्रेंड्स आए तो भी आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। और जो हमने ये बनाया है पेस्ट, इसको हम इक्वली स्प्रेड कर लेंगे ब्रेड के ऊपर, जैसा मैं कर रही हूँ इक्वली। हमारा एक ब्रेड बिल्कुल रेडी हो चुका, अब हम लगा लेते हैं इसको अच्छे से दूसरे ब्रेड पर। दूसरे ब्रेड पर भी हमें इक्वली स्प्रेड करना है, आराम से करिएगा क्योंकि ब्रेड टूटना नहीं चाहिए। अगर ब्रेड टूट गया तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और जब देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो टेस्ट भी नहीं आएगा। टेस्ट सेम ही रहेगा बट थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, थोड़ा सा मैसी हो जाएगा, थोड़ा सा ओवरऑल ब्रेड जो है वो टूटना नहीं चाहिए। आप हल्के हाथ से कीजिएगा, और ये भी हो गया। तो उसके बाद हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर लेंगे मेयोनीज़, ये ऑप्शनल है अगर आप यूज़ करना चाहें, बट अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका जो टेस्ट है नॉर्मल पिज़्ज़ा जो होता है उसी के जैसा बिल्कुल रहेगा ब्रेड पिज़्ज़ा में भी। तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी मेयोनीज़ ऐड कर लेते हैं, और इसको इसके ऊपर मिक्स करने के बाद कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से स्प्रेड, क्योंकि मेयोनीज़ हमने ऊपर से ऐड करी है तो ये कम ज़्यादा ना हो, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से करिएगा इक्वली टेस्ट के लिए। और अगर आप चाहें तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं जिसमें हमने करा था केचप, पिज़्ज़ा सॉस, सीजनिंग और चिली फ्लेक्स, उसके साथ ही आप मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। वो मिक्स होने के बाद आप
एक ही बार में अप्लाई कर सकते हैं ब्रेड पर इक्वली, बट मैंने अलग से ऐड करी है। तो ये लीजिए, हमारा दूसरा ब्रेड भी हो चुका है रेडी। तो अब टाइम है इसके ऊपर हमें जो हमने फिलिंग बनाई है उसको आराम से इक्वली स्प्रेड करने का। आप इसको आराम से करिएगा और ध्यान रखिएगा कहीं पर ज़्यादा टमाटो नहीं आए और कहीं पर ज़्यादा स्वीट कॉर्न। आप इसको आराम से कीजिए। ये हो चुका है हमारा एक ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी, और दूसरे पे भी हम करते हैं सेम, इसको भी हम इक्वली कर देते हैं। और उसके बाद जब आपको लगे कि ये कम है तो आप इस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जैसा मैं कर रही हूँ। और अगर आपको कम पसंद है तो आप इसमें से थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, बट फिर टेस्ट नहीं आएगा, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही कर रही हूँ। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसको आप हटा दीजिए। ये हमने अच्छे से कर लिया, इसके ऊपर इक्वली स्प्रेड फीलिंग, और अब हो चुका डन। इसको रख देते हैं हम साइड पर। और उसके बाद अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे मोज़रेला चीज़। ये मोज़रेला चीज़ एक पूरा आता है ब्रिक टाइप का, और उसको आपको ग्रेट करना पड़ता है, बट ये मैं पीसीज में आता है वो वाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है। और चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर ऐड करिए, तभी जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम ले लेते हैं दूसरे पे, बट ये चीज़ इतना ही नहीं मैं ऐड करूँगी, स्पून से अच्छे से नहीं हो रहा, तो इसलिए अब मैं करती हूँ इसको हाथ से, क्योंकि उससे कॉर्नर रह जाएंगे, सेंटर में ज़्यादा हो जाएगा, बट हाथ से जो है वो बहुत ही अच्छे से हर जगह पे इक्वली रहेगा, और ज़्यादा मोज़रेला चीज़ मैं इसके ऊपर इक्वली लगा पाऊँगी। जैसे कि ये कॉर्नर बच गए, ये स्पून से कवर नहीं हो पाते, ये कॉर्नर बच गया, और ज़्यादा से मोज़रेला चीज़ हम ऐड करेंगे। ये देखिए, हाथ से काम परफेक्ट होता है, स्पून से भी होता है, बट जब हमें बिल्कुल परफेक्ट चाहिए हो तो स्पून के साथ साथ आपको हाथ का यूज़ भी करना चाहिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये देखिए, और अभी ये ब्रेड अच्छे से नहीं हुआ, ये देखिए ये कॉर्नर्स रह गए, तो हमें बिल्कुल इसको अच्छे से कवर करना है। जो भी हमने इसके अंदर फिलिंग करी है वो हमें दिखनी नहीं चाहिए, फुल्ली कोटेड हो जाना चाहिए ये मोज़रेला चीज़ से। और आप अपने हिसाब से इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं, बट अगर आप ब्रेड पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो मोज़रेला चीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखेंगे तो सुपर्ब रहेगा। तो ये बिल्कुल हो चुका है रेडी, और अब हम बना लेते हैं इसको। आज फ्राई पैन में नहीं बनाएंगे, माइक्रोवेव में बनाएंगे। ये हो चुके बिल्कुल रेडी, तो कर देते हैं हम इनको साइड पर, और ले लेते हैं नॉन स्टिक ट्रे जो इसी के साथ हमें मिलती है, और इसको अब हम कर लेते हैं फॉइल पेपर से कवर, जिससे कि ब्रेड पिज़्ज़ा इसके ऊपर चिपके नहीं। और इसको कट करने के बाद फॉइल पेपर को इसको कवर कर लेंगे, और एक बड़े नाइफ की हेल्प से रख देते हैं हम इसके अंदर ये 1 और ये 2, ये दोनों हमने रख दिए। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, माइक्रोवेव को हम कर देते हैं ब्रेड स्नैक्स पे सेलेक्ट, और इसको लगा देते हैं 5 मिनट्स के लिए, और ब्रेड पिज़्ज़ा रख देते हैं अब हम इसके अंदर, क्योंकि हमने ब्रेड स्नैक्स सेलेक्ट करा है तो हमें इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये रख दिए हमने इसके अंदर, और इसको कर देते हैं बंद, और करते हैं 5 मिनट्स वेट स्टार्ट करने के बाद। और अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर तो आप वेट करते ही रहिए। मैंने स्टार्ट कर दिया, और ये देखिए हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक चॉपिंग बोर्ड पर। इसको थोड़ा सा ध्यान से निकालिएगा, जैसे मैंने बोला था ये टूटना नहीं चाहिए। ये हमने निकाल लिया, और ये भी निकाल लिया। अब इसी के साथ इस प्लेट को कर देते हैं हम साइड पर, और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स एक पर, और उसके बाद अब दूसरे पर, और उसके बाद हमने दोनों पे चिली फ्लेक्स कर दी ऐड। अब टाइम है इसके ऊपर थोड़ी सी सीजनिंग ऐड करने का। ये भी आप आराम से दोनों ब्रेड पिज़्ज़ा पर ऐड करिए, और ब्रेड पिज़्ज़ा बनाकर एंजॉय कीजिए। रेसिपी बहुत ही ईजी है, सिंपल है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसी के साथ हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा हो चुके रेडी, और अब हम इसको कर देते हैं एक नाइफ की हेल्प से कट,
तो आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल है, टेस्टी है, डिलीशियस है, टैम्पटिंग है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय ब्रेड पिज़्ज़ा।